नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे फ्रेंड फ्रेंड आप जल्द जानते हैं, मेरा नाम मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मोहित गुप्ता का। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में इतना अच्छा जो कि इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, और ये वीडियो ये बहुत स्पेशल होने वाला है उन लोग के लिए जो लोग गल्फ में रहते हैं, चाहे जिस किसी भी किसी कंट्री में रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुवैत हो गया, सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, मस्कट, मतलब जो भी कंट्री में हो गया फ्रेंड, फॉरेन कंट्री यानी कि आउट ऑफ जो कि ओरिजिन कंट्री। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कि कुवैत में या फिर किसी भी जीसीसी कंट्री में आपका जो एनआरआई अकाउंट है ये कैसे ओपन करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एनआरआई अकाउंट जो होता क्या है। एनआरआई अकाउंट होता है फ्रेंड्स नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, यानी कि फ्रेंड ये एक तरह का ऐसा अकाउंट है जो आप अपने मूल दूसरे मुल्क से यानी कि अपने आउट ऑफ कंट्री से अकाउंट जो कि फ्रेंड्स ओपन कर सकते हैं। अगर आप किसी गल्फ में कमा रहे हैं फ्रेंड तो वहाँ से आप जो है कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंडिया से भी कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन आपका वैलिड जो कि वीज़ा होना चाहिए फ्रेंड अगर जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये अकाउंट कैसे खुलता है फ्रेंड, इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड, ये बहुत सारे मतलब क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज वीडियो में ये जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले होता क्या फ्रेंड, जैसे कि मैं कुवैत में हूँ और रिसेंटली में एक मेरा फ्रेंड है जो कि कल या परसों जो कि अकाउंट ओपन कराया फ्रेंड, और ये अमन एक्सचेंज में यहाँ पे कुवैत में जो मैं कुवैत पे रहता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कि अपना अकाउंट ओपन कराया फ्रेंड, और ये अकाउंट ओपन कैसे किया फ्रेंड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा, कितना पैसा लगा फ्रेंड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग आप सभी के लिए फ्रेंड। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो, और इस वीडियो को देखने बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे मैं कुवैत में हूँ और मेरा फ्रेंड जो कुवैत में ही अकाउंट ओपन कराया है जो नॉन एनआरआई अकाउंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये अकाउंट ओपन कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूँ मैं, ये एनआरआई अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो वीसा है जिसे अकामा बोला जाता है, पताका भी बोला जाता है फ्रेंड यहाँ कुवैत में, तो यहाँ पे आपका जो वीसा है आपका जो कि 6 मंथ मिनिमम जो कि वैलिडिटी होना चाहिए। आप जानते हैं कुवैत में हर साल जो कि वीसा लगाया जाता है, अकामा लगाया जाता है फ्रेंड, तो आपकी जो वैलिडिटी है मिनिमम यानी कि 6 मंथ होनी चाहिए वैलिडिटी। दूसरा जो है कि पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी आप जानते हैं आपका 1 ईयर या 6 मंथ जो कि वैलिड होना चाहिए तभी आपका जो कि एनआरआई अकाउंट ओपन होता है फ्रेंड। तो और पासपोर्ट 6 मंथ मिनिमम वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकंड आपका वीसा जो 6 मंथ मिनिमम 3 मंथ ही होगा, बट 6 मंथ रहेगा तो वो बेटर रहेगा, बहुत ईजी हो जाता है फ्रेंड, आपका ये वीसा होना चाहिए। थर्ड जो है आपका एक जो कि पासपोर्ट मैंने बता दिया, थर्ड जो है आपका 2 फोटो जो कि वाइट ब्लू बैकग्राउंड, आपके 2 पासपोर्ट साइज आपको ब्लू बैकग्राउंड फोटो होने चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पे आप जाएँ जहाँ पे भी आपका मतलब मन है, यहाँ पे लूलू एक्सचेंज है, अलमुजैनी है, ओमान है, अमन एक्सचेंज है, मतलब बहुत सारे जो कि एक्सचेंजर हैं, तो आप किसी भी एक्सचेंज के पास जाएँ और वहाँ पे उनको बोलें मेरा जो कि एनआरआई अकाउंट ओपन करवाना है फ्रेंड, और आपको बहुत ईजी तरीके से मतलब एक दिन के अंदर खुल जाएगा। बट आपका एटीएम थोड़ा डिले होगा, आपका एटीएम ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा जैसा कि मेरा फ्रेंड मुझे बताया था फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें बेनिफिट बता दूँ क्या क्या है और कितने पैसे लगते हैं। यहाँ पर अभी 5 KD मतलब लग जाएगा, 1 KD उनका बैंक वाले का यानी कि एक्सचेंज वाले का चार्ज हो जाएगा जो आपका अकाउंट ओपन करेगा। आपको पासबुक आपके घर पे आएगा, पासबुक आपका, एटीएम आपको मिल जाएगा, 4 KD आपके अकाउंट में रहेगा, यानी कि 4 KD की बात करें तो 270 रुपये चल रहा है, तो करीब 1100 रुपये के आसपास 4 KD का हो गया, और बाकी 1 KD जो कि आपका चार्ज ले लेगा आपका कट जाएगा, और 4 KD आपके अकाउंट में यानी कि 1000 रुपीज़ आपके अकाउंट में रहेगा फ्रेंड। और फ्रेंड आपका अकाउंट खुल गया, मैंने बहुत सिंपल आपको बता दिया। अब फोर्थ क्या है आपका, अगर आप उसमें FD जमा करते हैं तो आपका जो कि 1 ईयर कम से कम होना चाहिए तभी आपका जो भी इंटरेस्ट आपका जो अकाउंट में आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बनेगा आपका 1 ईयर के बाद ही बनेगा। अगर आप 1 ईयर के पहले निकालते हैं तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट उसमें नहीं मिलने वाला फ्रेंड। ये हो गया। तो जो फिफ्थ जो बेनिफिट है फ्रेंड, आप जितना भी पैसा अगर अर्न करते हैं आउट ऑफ गल्फ यानी कि अपने आउट ऑफ कंट्री से ओरिजिन कंट्री से, तो आपका जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा आप उसमें इंटरेस्ट में कोई टैक्स आपको गवर्नमेंट जो भी आप जो कंट्री में रहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका जो कि बेनिफिट, और मैंने बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड। पासपोर्ट, वीसा यानी कि जिसे बोला जाता है सिविल आईडी पता का बोल सकते हैं अरबी लैंग्वेज में, तो आपका सिविल आईडी, पासपोर्ट, 2 ब्लू बैकग्राउंड फोटो पासपोर्ट साइज फ्रेंड, और 4-5 KD जिसमें से 1 KD आपका चार्ज लग जाएगा और 4 KD आपके अकाउंट में रहेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा आपको हमारा वीडियो पसंद आए फ्रेंड, और एक फ्रेंड वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर।